तो आप देख सकते हैं पूरे जोर शोर से तैयारी। आप देख सकते सिंह एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया और बस सिंगल बैरिकेडिंग और बांस बच गया है, ये भी तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं आप तोड़ दिया गया, ये बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया और इस वक्त सभी यहाँ से निकल चले हैं। सरकार की मंशा कभी कभी शक लगता है, अगला कदम मेरा रहेगा दिसुम गुरु शिबू सोरेन का, हम अगला घेराव करेंगे। हमको शक लगता है कि साला हेमंत सोरेन वाकई शिबू सोरेन के पुत्र है कि नहीं, वो भी शक लगता है उसको। अगर आंदोलनकारी का बेटा रहा, अगर आंदोलनकारी का बेटा होता हो तो झारखंड का दर्द को समझता। हम अगला घेराव मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गुरु जी माननीय शिबू सोरेन का घेराव करेंगे और पूछेंगे उससे कि ये आपका सुपुत्र है कि नहीं। ये जो इसका दुर्व्यवहार हमको क्वेश्चन चिन्ह लगा रहा है कि वास्तव में वो झारखंडी है कि झारखंड शिबू सोरेन का पुत्र है कि नहीं, उस शक के दायरे में है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। एक दिन पहले आपने देखा छात्र नेता जयराम महतो के द्वारा विधानसभा घेराव करने की कोशिश की गई, तो वहीं आज आदिवासी छात्र संघ के द्वारा विधानसभा घेराव करने की कोशिश की गई। हालांकि जयराम महतो स्थानीय नीति और भाषा विवाद को लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं आदिवासी छात्र संघ के द्वारा वही मांग है लेकिन सरना कोड को लेकर ज्यादा आक्रामक दिखे छात्र नेता। देखते हैं खबर को विस्तार से। विधानसभा घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं भारी संख्या में, तो वहीं भारी संख्या में रैप के जवानों की तैनाती है, तो वहीं आईआरबी की बल की तैनाती है और बैरिकेडिंग को तोड़ने की प्रयास लगातार की जा रही है और छात्र संघ के नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा। इस वक्त आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं। तो जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है इस वक्त और ये दोनों तरफ से, एक जहां एक तरफ से बैरिकेडिंग रोकने की प्रयास की जा रही है जवानों के द्वारा, तो वहीं दूसरे तरफ से आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। और इस वक्त भारी संख्या में आदिवासी छात्र संघ के नेता व कार्यकर्ता भारी संख्या में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग को तोड़ने के प्रयास और लगभग बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है लगभग और किसी तरह से जवानों के द्वारा रोका गया है और वहीं बैरिकेडिंग पर लोग चढ़ भी गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ, ये आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग को उठा ले गए। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग को लगभग उठा लिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा जोरों शोर की तैयारी है और दोनों तरफ से, और एक बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। आदिवासी छात्र के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी गर्मा गर्मी का माहौल इस वक्त यहां पे दिख रहा है। आप यहां देख सकते हैं पूरे जोर शोर से तैयारी। आप देख सकते सिंह एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया और बस सिंगल बैरिकेडिंग और बांस बच गया है, ये भी तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं आप तोड़ दिया गया, ये बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया और इस वक्त सभी यहां से निकल चले हैं, निकल चुके हैं। आप देखें किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और अब सभी आगे बढ़ चुके हैं। देखिए अभी हम लोगों का विधान, हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया, उसके बाद हम लोगों का रास्ता कोरगोड़ा की ओर से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाह रहे थे रोका गया। अभी हम लोग इस नए सराय होते हुए विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं और हम लोग विधानसभा जाकर रहेंगे। ये संख्या बल, जैसा कि आपको हमने कहा था, ये संख्या बल इस वक्त आप देख सकते हैं और ये बैरिकेडिंग ध्वस्त हो चुका है। और क्या कहेंगे, जिस तरह बैरिकेडिंग किया गया आप लोग के द्वारा, बैरिकेडिंग वो काम नहीं आया। हम लोग
सरकार को आगाह कर रहे हैं, ब्रेकेटिंग हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हम सरकार को मेरी आवाज़ सुनाना चाहते हैं और सरकार हमको ब्रेकेटिंग से अगर रोकना चाहे तो ये उसको भारी दिक्कत होना पड़ेगा। हम हैं तब सरकार है, हम मेरे चलते सरकार उनके चलते हम नहीं हैं, हम हैं तो सरकार है, इसलिए सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहे उसका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन रोड को ये उचित नहीं। हमको हम रेल लाइन के पास स्वच्छ से रुक जाएंगे और हमें लगता है कि ये तकरीबन 400 से 500 की संख्या होगी। हाँ, संख्या तो बहुत ज़्यादा है, संख्या अनगिनत है। मैंने देखा कि लाख प्रयास किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन आपने पुलिस को छकाया। जनता से आगे सरकार ना पुलिस कुछ नहीं है। हमारे झारखंड के पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। बैठ जाइए अपने जहां पर आवाज बैठ जाइए। पुलिस की जो तैयारी है वो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। हमरा अपनी अपनी जगह में पुलिस से लड़ाई नहीं है कि हम पुलिस से रस्साकसी और कुश्ती लड़ेंगे। अगर मैं पुलिस से अगर रस्साकसी करते हैं तो हमरा सेना के सामने पुलिस की सेना क्या है? लेकिन पुलिस से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी सरकार से लड़ाई है। सरकार को सरकार के कान में जूर रिगवाना है हमको। मेरी आवाज है स्थानीय नीति 1932 आधारित आपको लागू करना पड़ेगा, ये नीति बनानी होगी। बैकलॉग की 2 लाख वैकेंसी है, उसको आपको प्रक्रिया में लाना होगा। हमारे धार्मिक जमीन बंदरबांट हो रहा है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी दलाल लगे हुए, उसको हमारे समाज में क्षति हो रहा है, उसको रोक लगानी होगी। और हमारे चौथा मुद्दा है मेरा सरना धर्म कॉलम, सभी प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र हो, जितना भी सरकारी दस्तावेज हुए कॉलम हमारे देना होगा। जब झारखंड विधानसभा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है सरना धर्म कॉलम को यहाँ पारित करके झारखंड विधानसभा से पास किया है, तो हमको कॉलम उसको देने में क्या दिक्कत है? ये मेरे लिए पहले था, 2006 में सरकार के द्वारा हटाया गया है, इसको हम लोग पुनः बहाल करने के लिए इस सरकार से मांग करते हैं। कानून को भी मानेंगे, संविधान को भी मानेंगे। पहला मुद्दा 1932 है, सरकार से हम लोग स्थानीय नीति 1932 को मानना पड़ेगा। ये केवल एक कागज नहीं है, वो हमारी पहचान है। बिहार सरकार एकीकृत बिहार में भी जिसकी खाता खतियान जिस जगह उसका पूर्वज का हो वही वहीं का न्यासी माना गया है, तो झारखंड में क्यों उसको लागू नहीं करती है? उसको लागू करें, यहाँ एक चरागाह नहीं बनेगा पूरा हिंदुस्तान का, यहाँ अप्लाई कर सके। बिहार में ओनली फॉर बिहार ही, उड़ीसा में ओनली फॉर उड़ीसा, और झारखंड में कौन सा नीति है ऐसे पूरा हिंदुस्तान के लिए यहाँ चरागाह का जगह बनाइए। ये झारखंडी बर्दाश्त करने के लिए नहीं कहे, अब पानी नाक के ऊपर आ चुका है, और नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए झारखंडी तैयार है, आदिवासी छात्र संघ तैयार है। सरकार की मनसा कभी कभी शक लगता है, अगला कदम मेरा रहेगा दिसुम गुरु शिबु सोरेन का, हम अगला घेराव करेंगे। हमको शक लगता है कि चला हेमंत सोरेन वाकई शिबु सोरेन के पुत्र है कि नहीं, वो भी शक लगता है उसको। अगर आंदोलनकारी का बेटा रहा, अगर आंदोलनकारी का बेटा होता तो झारखंड का दर्द को समझता। हम अगला घेराव मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गुरु जी माननीय शिबु सोरेन का घेराव करेंगे और पूछेंगे उनसे कि ये आपका सुपुत्र है कि नहीं। ये जो इसका दुर्व्यवहार हमको क्वेश्चन चिन्ह लगा रहा है कि वास्तव में वो झारखंडी है कि झारखंड शिबु सोरेन का पुत्र है कि नहीं, उस शक के दायरे में है। सरकार अपना नाकामी को कभी एलायंस का बहाना बनाती है, कभी उस पार्टी का बहाना बनाती है। सरकार का काम है जनता का काम करना, हमको बुड़बक बनाना छोड़ दे सरकार, इनके उनके ऊपर पासा पलटना। आप सरकार हैं और उसी मुद्दे पे आए हैं, हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, जेपीएससी को रद्द करेंगे वगैरह वगैरह। आज क्या हुआ, सरकार जनता से बड़ा नहीं है, मेरे बदौलत सरकार है, हम उसके बदौलत नहीं है। जब चाहे सरकार को, इससे अगला सरकार को भी देखा गया, वो समाज की ताकत है वो, और ताकत हम इनको भी दिखाने का औकात बताएंगे। समय आने दीजिए, अगर ये भी उनका समय है, 3 साल और बाकी है, इनको अगर करना है झारखंडियों के लिए
नहीं तो इसकी भी ऐसी की तैसी हम लोग आदिवासी में उसको सीमाना पार करते हैं, इसको भी कौन सीमाना फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा। आप लोग आगे आ जाएंगे। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उराव। तो अभी आपने सुशील उराव को सुना कि क्या कुछ कहा उन्होंने, और ये आक्रोश इस वक्त साफ नजर आ रहा है अब ये जो प्रमुख बैरिकेडिंग है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।